हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ डिस्पर्शन इन स्टैटिस्टिक्स। और डिस्पर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले। सो डोंट फर्गेट टू रेफर दैट वीडियो बिफोर यू नो गेटिंग इन टू दिस वीडियो, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेस द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो, जिसमें हमने डिस्पर्शन के एब्सोल्यूट मेजर्स, रिलेटिव मेजर्स को बहुत डिटेल में फॉर्मूला के साथ समझा है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको देखिएगा, जिससे आप जो है करेक्ट आंसर गेस कर पाएँ और आपके मैक्सिमम आंसर्स सही हों। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट, दैट इज researchphd.in. And in that website, we used to upload daily quizzes and we used to give notifications regarding PhD. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, website and Telegram channel is given in the description box. Okay, what is dispersion? What are the absolute measures of dispersion? What are the relative measures of dispersion? These all topics are being covered under that video. So consider referring that. And we are moving towards the this multiple choice questions. So यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑलरेडी बोल्ड की हुई थी, दैट इज स्कैटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, द स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। यहाँ स्कैटर को हाईलाइट इसलिए किया बिकॉज स्कैटर से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस या सेमेट्री। जो स्कैटरनेस आ जाती है, जो बिखर जाते हैं वैल्यूज़ किसी एक सीरीज़ में, तो दैट स्कैटरनेस, ये सब चीज़ें को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज डिस्पर्जन, उसे डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन में हम ये बेसिकली पता लगाते हैं कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलॉट ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर, कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। इट इज़ बिकॉज कि आपके जो सैम्पल हैं वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सैम्पल साइज बहुत छोटा है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से दिस डिविएशंस आता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है डिस्पर्जन का, और उसकी वजह से एक स्कैटरनेस आ जाता है, एक बिखर जाती है डाटाज जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, तो उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशन इन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल। मैं जानबूझ करके अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज इससे आपका आंसर आ जाएगा। द मेजर यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशन इन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कौन सा ऐसा मेजर है जो कैलकुलेट करने में मदद करता है वेरिएशंस जो कि ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट होते हैं इन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल, यूनिट वैल्यू में? द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना। जब रॉ डाटा आपके पास दिया है, यूनिट में आपको जो है डाटा दिया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर जो केस होता है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। तो जब आपको यूनिट और रॉ फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको आप जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलोगे, और आप कैलकुलेट करते हो वेरिएशंस जो प्रेजेंट होते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर इन अ रॉ फॉर्म, इन अ यूनिट फॉर्म, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशंस रिलेटिव टू देयर एवरेज इज कॉल्ड। ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे यूनिट था, रॉ फैक्ट की बात कर रहे थे हम, जो एक्चुअल डाटा है, पर यहाँ पे हम रिलेटिव टू देयर एवरेज की बात कर रहे हैं। तो बट नेचुरल है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट रिलेटिव की बात करता हूँ, जो रॉ आपको मिलते हैं, जैसे कि आप के पास जो मार्क्स मिलते हैं उसको जो है आप, जैसे कि आपके 100 में से सपोज 80 मार्क्स आए हैं या 90 मार्क्स आए हैं या 70 मार्क्स आए हैं, ये रॉ डाटा कहलाता है। और जब आप इसको परसेंटेज में किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो रिलेटिव
टू द एवरेज अगर उसको आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो हो जाता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जैसे कि परसेंटेज में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे वो कंपेरेबल फॉर्म में बन सकें, या 360 डिग्री में हम उसको यू नो कन्वर्ट करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर, जिससे एक सही तरीके से अपन कंपेयर कर सकें कि 100 के अगर हम 100 को हमने बेस माना हुआ है तो क्या उसकी वैल्यू है, विच इज़ ईजी टू कैलकुलेट। जैसे कि हमारे परसेंटेज वगैरह भी होते हैं, परसेंटेज वगैरह जो होते हैं वो रिलेटिव फॉर्म में होते हैं, और जो रॉ आपको मार्क्स मिले होते हैं वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो बनाई है डिस्पर्शन की उसमें डिस्कस किया है। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये स्क्यूनेस वगैरह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स की, आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत से स्टैटिस्टिक्स के न्यू टॉपिक्स मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सारे के सारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, ये सब के सब जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच यूजेस ओनली टू ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस को जो लेता है, कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है। रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है, ये रेंज का जो है फॉर्मूला होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वगैरह जो है ये सब रिलेटिव मेजर्स कहलाते हैं। रेंज इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर, सो रेंज जो है ये सिर्फ और सिर्फ टू ऑब्जर्वेशन विच इज़ हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू में जो है कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है जो मैंने बताई थी कि ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं कहते। सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन, Q3 आपको 20 दिया हुआ है, Q1 10 दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, अगर फॉर्मूला याद होगा तो। ईजी क्वेश्चन आते हैं बहुत, बस आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही रखनी है अपनी। सिंपल है, 1/3 आंसर है इसका, कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो Q3 माइनस Q1 हुआ आपका 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10 विच इज 10 अपॉन 30, और ये बन गया आपका 1/3। इफ द डिस्पर्शन इज स्मॉल द स्टैंडर्ड डिविएशन इज, इसको ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना, अगर डिस्पर्शन स्मॉल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या हो जाता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, डिस्पर्शन स्मॉल होगा बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो बट नेचुरल स्टैंडर्ड डिविएशन भी स्मॉल ही होगा, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ वेरी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इज स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑलवेज बी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन टू द अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इज कॉल्ड, सिंपल पूछ रहा है ये, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा है, ये मैंने बताया है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आई होप आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दे रहे होंगे, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और ऐसे स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च रिलेटेड और बहुत से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूँगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, है ना, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम,
सडन डेविएशन हमेशा किस चीज के हेल्प से निकाला जाता है? मीन सडन डेविएशन जो है ये मीन की मदद से निकाला जाता है और ये एक लिमिटेशन बन जाता है बिकॉज बाकी जो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जैसे कि मीडियन और मोड उसको कंसीडर नहीं करता सडन डेविएशन और सिर्फ मीन के माध्यम से ही जो है सडन डेविएशन को हम कैलकुलेट करते हैं. सो दीज आर दी यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ऐसे में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाता रहूँगा डिस्पर्जन के, स्टैटिस्टिक्स के, रिसर्च के, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और एक्सेलरेट हो. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.